और आगरा घूमने के बाद हम यहाँ आ गए थे वृंदावन, और कृष्णा जी के मंदिर में हम जा रहे थे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी मंदिर के अंदर, और वीडियो बनाना अलाउ नहीं था इसीलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और बहुत ही अच्छा था मंदिर, बहुत ही खूबसूरत था। गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम अभी भी सो रहे हैं, बेड पे ही है, और कल मैं वीडियो बनाते बनाते ऐसे ही मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इसीलिए मैंने और मोबाइल ऑन ही नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी दूसरा दिन है और सुबह हो चुकी है और अभी हम बेड पे ही है, अभी थोड़ी देर में हम फ्रेश होंगे फिर घूमने निकलेंगे। और मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी भी हो गई है, तो चलिए थोड़े बाद में मैं आपसे मिलती हूँ, और आज कहाँ कहाँ जाएंगे वो भी मैं आपको साथ लेके ही चलती हूँ। तो अभी के लिए यहाँ मेरी माँ रेडी हो चुकी है, नहा धो के साफ सुफ एकदम फिट फाट, और यहाँ मेरी ननद के भी नहाना धोना हो चुका है। भैया नुआ ना सके, हाँ नहाना धोना हो गया, यहाँ बाल बना रही है। और मेरा हस्बैंड का भी हो चुका है। गुड मॉर्निंग। और मैं अभी भी ऐसी हूँ, बैठी हुई हूँ, अभी जाके मैं भी नहाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ वीडियो एडिट कर रही थी इसीलिए मेरा थोड़ा लेट हो गया है, अभी मैं जाके नहाऊंगी। तो अभी हम इस मंदिर में जा रहे हैं और सभी नहा रहे हैं, तो हम तीनों निकल गए ये मंदिर में जाने के लिए क्योंकि हमारी होटल से नजदीकी है। तो इसीलिए हम आ गए यहाँ, तो ये है ये मंदिर। अरे कति राम्रो नि, हाँ कृष्ण भगवान उठाएगा पर्वत। कौन था यहाँ, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। पूरा ग्लास का है। हामीलाई पर्खिराख्छन् नि त उनीहरूले, और ऊपर एसी है। और अभी हम जा रहे हैं, है देखिन्न माथिको त पुरा ग्लासको रहेछ के, सिसै सिसा। और यहाँ मंदिर घूमने के बाद हम निकल गए थे निधि वन के लिए, और निधि वन में जो कुछ हुआ हमारे साथ वो बहुत ही ज़्यादा हंसने वाली बात है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरी माँ गाड़ी से उतर ही रही थी उसी वक्त पीछे से एक बंदर आके माँ की चश्मा लेके चला गया, और चश्मा ले जाने के बाद हम सब हल्ला कर रहे थे दो दो बोल के, और बंदर कहाँ हमारी बात सुनता, वो तो नहीं दे रहा था। तो वहाँ के लोग बोल रहे थे एक फ्रूटी खरीद के दे दो तो वो चश्मा दे देगा, और उसके बाद हमने उसे एक फ्रूटी खरीद के दिया, जैसे उसे फ्रूटी मिला उसने हमारा चश्मा वापस कर दिया,
और इतना समझदार बंदर मैंने आज तक देखा ही नहीं। और वहाँ के तो बंदर भी आदमी जैसे फ्रूटी पीते हैं, और वृंदावन की तो आदमी समझदार है ही और बंदर भी समझदार है। तो ये है प्रेम मंदिर, अभी हम अंदर जाएंगे। ये तो चीज आँखा हे कति रंगो लगने हो, मन शांति। कति शांति लागेको राति मा दिन मा त्यस्तोमा राखेछन् होला नि, त्यही भएर हो। और यहाँ रंगोली जैसा लग रहा है। हमें हमें नहीं करना ये सब, हमें पसंद नहीं। थुंगे फुल ले नि, थुंगे फुल र गुलाब फुल ले, गुलाब फुल र थुंगे फुल। गुलाब फुल त हरियो पत्ता सब बना बिहान बहुत ठुलो मन्दिर छ, उताउता पनि छ। कहाँ नहीं जाने देंगे, जगह नहीं है जाने का। बाहर से तो कैच ली मैंने, नहीं है वहाँ जाने का रास्ता। ए मंदिर तो अच्छे बंद छ ना कि हो, ऊ त्यहाँको गेट बन्द छ, त्यहाँ खुल्ला छ। इतनी खूबसूरत जगह है, जाने का दिल ही नहीं है यहाँ से। खोई आमा 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 तिमीले भनेको यो मंदिर होला हो नि, यो त प्रेम मन्दिर को तिमीले भनेको। कहाँ गए हाम्रो पार्टी, त्यहीँनिर भुलिहालेछ अनुरु। कति राम्रो छ भनेको, उहाँ चाहिँ रेलिङ चाहिँ निचे हो जाए, राधे राधे गरे। वृंदावन को, वृंदावन की आदमी भी अच्छे हैं और यहाँ की जगह भी बहुत ही अच्छी है। बहुत जगह का तो बात ही मत कीजिए, बहुत ही खूबसूरत सी है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी बहुत ही प्यार से बातें करते हैं अच्छा लगता है, ऐसे बातें करने से अच्छा लगता है।
पूरा संगमरमर का बना हुआ है। चार मिनट कति राम रहो, बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको क्या बोलूं, वृंदावन के बारे में जितना भी बोले उतना ही कम है। कति राम रहो, उपदेश करन ना भगवान कृष्णा, हेर ना भगवान उपदेश करन ना, तेल एकदम इस तरीके रखे राम्रो। हिरण कृपालु वेद जग जगत गुरु ग्रुप में खिच्ने वाले कहीं ना ग्रुप में गोवर्धन पहाड़ ना उता भित्र पस्ने हो मन्दिर भित्र और ये घर उगाउन का जो मंदिर बनाया है घर के सामने ही घर के पड़ोस में पर्वत उठा लिया है नहीं यहाँ कहाँ उठाया नहीं दूसरा जगह में उठाए थे जब बचपन थे मथुरा में नहीं यहाँ तो पछि आए कही ना गोकुल मम्मी काला पत्थर तो ज्यादा गर्म नहीं है सफेद पत्थर ज्यादा ठंडा है हम निकल रहे हैं ये छोड़ के तो हो जाओ और जल्दी है
जल्दी खाली राधा सितै छ नि कृष्ण भगवानको जति पनि के ए भगवानले पनि त्यस्तो खेल्ने रहेछ नि त के भन्छ गरे यसलाई चाइनिज के भन्छ त यो के हो पासा भगवान हमारी बात रिकॉर्ड होगी। हाँ हाँ बोलिए क्या बोलना है। ये प्रेम मंदिर है, आज हम प्रेम मंदिर के अंदर घूमने के लिए आए हैं। हाँ। और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं देखने को मिली। हाँ। बहुत मन खुश हो गया। और ये देखिए सामने राधा कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। हाँ ये है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, मनमोहन मनमोहक करने वाला दृश्य। वहाँ आदमी है ना क्या? हाँ, नहीं है ना, नहीं मशीन चल रही है, मोटर से चल रही है। चलो पापा चलो। और अभी हम ब्रेकफास्ट खाएंगे, बन रही है सॉन्ग खान तुम ने। पंजाब में पाला कति रेस्टोरेंट का नाम ऐसे लिख रखे हैं कि देखते क्या है कि हाँ यार यहीं पे बैठ के खाना है। हाँ, है ना। हाँ। राधा रानी ढाबा चोटी वाले महाराज की जय। ये देखो राधा अंबिका अंबिका और वहाँ पे जाम में खाया था शिव 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 रेस्टोरेंट। एक था वहाँ कृष्णा कृष्णा एक कन्हैया मानसलाई अट्रैक्ट गर्नको लागि नाम हो के मतलब ऐसा नाम देखते हैं ऐसा नाम रखते हैं कि बंदा खींचा चला है तो हाँ हाँ और बंदा खींची जाता है। चोटी देख के हम ही चले गए चोटी वाले चोटी वाले हमें पैदल थोड़ा सा आधा किलोमीटर पे चले जाओ वहीं सामने ही है। फिर आधा किलोमीटर चले गए हम फिर वहाँ जाके पता करा फिर वो कहना हाँ थोड़ा सा आगे चले जाओ आधा किलोमीटर पे उसने भी आधा किलोमीटर आगे भेज दिया एक किलोमीटर हो गए मैं एक किलोमीटर तो यही हो गया मैं। उसके बाद जब आगे गए तब वहाँ मिला हमें वो एटीएम वो भी दादू की निगाह पड़ी सुंदर सा बेचारा ऐसी जगह था एटीएम जब मतलब कोई भी नहीं मतलब बहुत अकेली सी जगह पे पूरा बाग है बाग है बाग संतरे का बाग है ढेर सारा संतरे खाना मन लगे ना दीदी वहाँ तो आमले मिलेंगे रुद्राक्ष दिखा था रुद्राक्ष का पेड़ लग रहा था वहाँ पे और वहाँ पे है निधि वन बैठा वाला सामने हाँ बैठे
तो यही था निधि वन। जीप कटो से व जीप कटरे से सावधान रहें। जीप कटो के रूप में पुरुष या महिला जीप कट भी हो सकते हैं। दर्शनार्थी अपने सामान की जय रक्षा करें एवं दर्शनार्थी स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। और यहाँ हम निधि वन घूमने के बाद हम आ गए थे यहाँ लस्सी पीने के लिए, क्योंकि इनका लस्सी बहुत ही ज़्यादा नामी था, इसीलिए हम यहाँ आ गए लस्सी पीने के लिए। और निधि वन ठीक ठाक ही लगा, जैसे मैंने सोचा वैसा तो नहीं था, लेकिन ठीक ठाक ही है, अच्छा ही था। और उसके बाद लस्सी पीने के बाद हम चले गए, निकल गए दिल्ली के लिए। और दिल्ली हम आ गए थे शाम के 6:30-7 बजे के करीब हम आ भी गए थे। और बहुत थकान होने के कारण मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाया। और वृंदावन आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरी माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी वृंदावन आके। और मैं तो चाहती हूँ हर किसी को एक बार वृंदावन तो आना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है वृंदावन। जहाँ भी जाओ मंदिर ही मंदिर, मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मुझे भी पता चले आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। क्योंकि मुझे उतना वीडियो बनाना तो आता नहीं है, तब भी मैं कोशिश करती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ थोड़ा बहुत वीडियो बना भी लेती हूँ। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेती हूँ। बाय। सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपना परिवार का अच्छा से ध्यान रखें।